वेलकम बेटा, पार्ट नंबर 8 एंड चैप्टर अगर हम बात करें सो पॉलिटिकल में ये क्वेश्चन आपका एनडीसी रिगार्डिंग बहुत बार आता है। और जो आपका एक चैप्टर लास्ट दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स, राइट, फंडामेंटल राइट्स जिसमें हमने डिस्कस किए, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेटा पार्ट्स की बात करते हैं। क्वेश्चन को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टिंग के जो बहुत बार पूछे जाते हैं। पार्ट नंबर 1 जिसमें आर्टिकल 1-4 गिवन है, इसमें नेम ऑफ द टेरिटरी, इंडिया कंट्री की बात कर रहे हैं ऑफ इज यूनियन, एडमिशन एंड एस्टैब्लिश ऑफ द न्यू स्टेट कैसे बना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेट ऑफ एरिया बाउंड्रीज और स्टेट्स कैसे डिवाइड होंगे, बाउंड्रीज कैसे होंगी, राइट। फिफ्थ में सिटीजन एंड कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 की बात करें तो इसमें सिटीजनशिप और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनके बारे में डिटेल दी है, राइट ऑफ सिटीजन्स दिए हैं इसमें, ओके, एंड माइग्रेट फ्रॉम इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, हु हैज माइग्रेट टू इंडिया, जो इंडिया पाकिस्तान से इंडिया में आए, तो आर्टिकल 6 में उसके बारे में दिया है। आर्टिकल 10 कंसर्न द राइट ऑफ सिटीजन, एक सिटीजन के क्या अधिकार होंगे उनके बारे में डिटेल देता है। और आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ, तो राइट ऑफ सिटीजन को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, राइट, वो सब आर्टिकल 11 में दिया है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 जिसको मैग्ना कार्टे कहा गया बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12-35 है बेटा, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कंट्री के लिए यहाँ स्टेट वर्ड यूज है, इसकी डेफिनेशन है। और 13th है इन विद डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डील है आर्टिकल 13 में। और इसमें बेटा हम इनिशियली बात करें तो 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और नॉट देर आर ओनली 6th नाउ, अभी इसमें क्या है 6th बेटा है, अभी एक हट चुका है उसी को दिया, अंडर 31 वॉज डिलीटेड, जो 31 के अंडर था वो उसको बेटा फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया, दैट इज राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, फंडामेंटल राइट से डिलीट करके 44th अमेंडमेंट 1978 कब हुआ था इसको भी नोट करना, ओके, एंड इट वाज अ मेड लीगल राइट, अभी सिंपल लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, 300 ए के अंडर आता है 12th पार्ट में, ठीक है। अब चलते हैं बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट चैप्टर रिगार्डिंग है, दैट इज फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी है 14-18, ठीक है, इनको सीक्वेंस में लर्न करेंगे, जो अंडरलाइन किए वर्ड बेटा इनको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, और इन्हीं के बेसिस पे एक छोटा सा फॉर्मूला बना सकते हैं जो आपको शायद बुक में भी डिस्कस किया था मैंने वीडियो में, ले दे के एक उधार 13 और 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, इनके आर्टिकल के नंबर भी याद हो जाएंगे, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब आते हैं इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं, ले दे के, ले से एल से लॉ होगा बेटा, तो राइट टू इक्वलिटी है तो इक्वलिटी ऑफ द लॉ, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग सब इक्वल होंगे। सेकेंड ले दे के डी फे, डी मीन्स इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा बेटा, किसी भी बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, इस तरह की इक्वलिटी इंडिया में दी जाएगी। फिर है ले दे के एक, इसे एम्प्लॉयमेंट है, यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मैटर, पब्लिक जो गवर्नमेंट जॉब्स है उन सब में। ले दे के एक उधार 13, यू से अल्टरबिलिटी, आर्टिकल 78 क्लास में पढ़ा था, अबोलिशन कर दिया गया बेटा, इसको अबोलिश कर दिया गया ताकि सब सिटीजन इक्वल हो कंट्री में। और लास्ट है टी, ये आपकी बुक में दिया था, ऐड कराया था, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, तो फ्रीडम के बाद बेटा जितने भी टाइटल ब्रिटिश देके गए थे सबको अबोलिश कर दिया गया। ये आपका बेटा पहला राइट है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14-18। अब चलते हैं राइट टू फ्रीडम, और बेटा ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन दो से ही ज्यादातर, बाकी इजी एक एक दो वो लर्न कर लेते हैं, इनमें थोड़ा टिपिकल है। तो इसमें हम कहते हैं 19-22 है, और बेटा आपकी बुक में भी आर्टिकल 19 को थोड़ा डिटेल दिया है, तो आर्टिकल 19 के भी फिर से वही है, इनके एक एक वर्ड नोट कर लीजिए, स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, इनको सीक्वेंस में, असेंबल पहले, असेंबल होंगे तो एसोसिएट होंगे, राइट, ऐसे याद रखना, स्पीच, असेंबल होंगे, असेंबल से एसोसिएट होंगे, मूव, रिसाइड और ऑक्यूपेशन, और ये आपके लगभग लर्न करने हैं। इनका भी फॉर्मूला सिंपल बना सकते हैं, इसको हम सामरो लिख सकते हैं, SAMRO, सामरो, ठीक है। और सामरो में पहला क्या होगा, स्पीच, स्पीच एक्सप्रेशन का राइट है, और हमने बेटा लास्ट टॉपिक एक्सपेंड वाला पढ़ा था, तो इसी राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी में इंक्लूड हो गया, एक्सपेंड कर दिया गया, आरडीआई इसी के अंडर आ गया, ऐसे बहुत से आर्टिकल बाद में इसमें ऐड हुए, और ये राइट सोर्स ऑफ डिफरेंट राइट्स बन चुके हैं। फिर राइट टू असेंबल है, SAMRO, सामरो, तो असेंबल में हम कहते हैं असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, तो ये भी अधिकार है। राइट टू एसोसिएशन, आप बड़े बड़े एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं बेटा, ठीक, अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अदर अपने डिमांड्स के लिए। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, मूव मीन्स आप घूम सकते हैं इंडियन टेरिटरी में, कहीं भी जा सकते हैं, पहले J&K में इशू था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, अब पूरा इंडिया बेटा मूव कर सकते हैं फ्रीली। राइट टू रिसाइड एंड रेजिडेंस, रिसाइड मीन रेजिडेंस, आप कहीं भी घर लेके रह सकते हैं बेटा, ठीक है, विद इन इंडियन टेरिटरी कहीं भी।
इसमें भी पहले आर्टिकल कुछ आर्टिकल्स बेटा जे एंड के में रोकते थे, वो हट चुके हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एनी करियर ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, तो ओ से हम ऑक्यूपेशन याद रखेंगे, आप किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस इंडिया में कहीं भी कैसा भी आप अटेंड कर सकते, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 19 था। अब बात करते हैं तीन है 20, 21, 22। तो 21 पहले 20 से निकाल लीजिए बेटा, आर्टिकल ये आप 8th में पढ़ा था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लर्न करना। जो 14 एज के अंडर बेटा राइट दिए गए हैं जो बच्चों को, वो भी राइट टू लाइफ के अंडर दिए, इसमें इसको भी इसको एक्सपेंड कर दिया है। इसमें आपका सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, हेल्थ है आपकी, राइट रेजिडेंस सेटलमेंट प्रोवाइड करना, फूड सप्लाई प्रोवाइड करना, ऐसी इसको भी बहुत एक्सपेंड कर दिया गया। अब 2022 की बात करनी है बिजनेस के लिए बेटा, जब आप कोई क्राइम करते हैं आपको अरेस्ट करते हैं, उसके बाद भी कुछ राइट्स आपको सेफगार्ड देते हैं, जैसे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विंस ऑफ ऑफेंस। तो जब आप ऑफेंस किसी चार्ज लगता है किसी उसमें होते हैं, तो आपको कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, आप जो कबूल करते हैं वो आपके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर सकते, आप थाने में कुछ भी कबूल कर लें, कोर्ट में आपके लिए वो विटनेस नहीं बनते, गवाह नहीं बनते, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 22 है प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन टाइम में भी आपको प्रोटेक्शन होती है, अरेस्ट करते हैं आपके किसी फैमिली मेंबर को, इन्होंने उनके साइन लेने पड़ते हैं या उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, टाइम नोट करना पड़ता है। और इसके बाद एक और है बेटा विद इन टू डेज आपको कम से कहीं रियल मजिस्ट्रेट के आसपास पेश करना होगा, ठीक है। ऐसे बहुत से राइट्स है जो आपकी बुक में भी दिए, शायद 8th में बहुत डिटेल से दिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट बेटा थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी आपको एक्सप्लॉयट ना करें, इसके लिए बेटा काफी स्ट्रिक्ट राइट बनाए गए और एक दो एग्जांपल सोशल लेवल को रखा गया, आपकी बुक में तीनों हैं और नोट भी कराए थे। तो 23, 24, 23 में दो अगेंस्ट डिस्कस किए बेटा, एक तो ट्रैफिक ऑफ वुमेन यानी आदमी का हम किसी वुमन का व्यापार नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, और फोर्स लेबर आप जबरदस्ती किसी लंबे टाइम तक काम नहीं कर विदाउट एनी वेजेस, वी कांट मेक दम फोर्स एनी वन फॉर लेबर, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 24 में एक ही एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज इन माइंस अंडर एज 14, 14 से नीचे आप बेटा डेंजरस ऑक्यूपेशन में बच्चों को हायर नहीं कर सकते, ठीक है, उनसे काम नहीं करा सकते, जैसे माइंस फैक्ट्रीज में एग्जांपल दिया। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन सेक्युलर कंट्री है इसलिए। तो इसमें बेटा देखिए चार पार्ट है, चारों को अच्छे से करते हैं। आर्टिकल 25 इसमें ट्रिपल पी आपको बुक में बताया था, प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, आप किसी धर्म को अपना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको फैला सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजियस अफेयर को आप खुद मैनेज कर सकते हैं और इसी का बड़ा सपोर्ट करके बेटा माइनॉरिटीज कई बार इंडिया में जो लॉज है उनको अपने ऊपर अप्लाई नहीं होने देती है, सिविल लॉज को मेनली। फिर आर्टिकल 27 है फ्रीडम टू पे टैक्सेस टू फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलरिज्म, तो आपको फ्रीडम है पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलरिज्म, ठीक है। आपकी बुक में एक और इसमें दिया है, गवर्नमेंट बेटा ऐसा कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकती जो किसी रिलीजन के लिए लगाया गया हो, जजिया टैक्स टाइप से, ओके। टैक्स है 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो आपको कोई फोर्स नहीं करता बेटा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए, राइट, किसी स्कूल फंडेड या पब्लिक के प्लेस कहीं भी आपसे कोई भी आपको फोर्स नहीं, आपकी मर्जी आप किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को माने या ना माने। इसके बाद चलते हैं बेटा कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, 5th है ये, और 29, 30 इसमें दो आर्टिकल्स है, 29 प्रोटेक्शन इंटरेस्ट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट के लिए उनको प्रोटेक्शन है, वो अपने कल्चर एजुकेशन को ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। 30 बेटा उन्हीं माइनॉरिटीज को एस्टैब्लिश करने के लिए परमिशन देता है कि एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे 31 निकल गया जो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, 31 राइट टू प्रॉपर्टी, वो 44th में 1978 में बेटा रिमूव कर दिया गया, अब वो 300A का पार्ट है पार्ट नंबर 12 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 32, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोल और हर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, अंबेडकर जी ने कहा था, रेमेडीज एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स, अगर ऊपर वाले किसी भी फंडामेंटल का वॉलेशन होता है तो इसको रेमेडी देने के लिए, इलाज के लिए, इसका सोल्यूशन के लिए हम किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स थे, तो रिपीट कर रहा हूं, पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वलिटी एंड फ्रीडम, इनको अच्छे से करना बेटा, और इसके बाद नीचे जो चार दिन में गिने चुने आर्टिकल्स हैं इनको आप लर्न कर सकते हैं, 2-3 बार लीव कीजिए। इसका पार्ट नंबर 4 है, कई बार पूछा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो 36-51 बेटा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं गवर्नमेंट को क्या करना है डिफरेंट एरियाज में, इसमें देखिए सारे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो इन बेसिस पे गवर्नमेंट को करना क्या है वो चीज डिसाइड होती है। इसके बाद हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज भी कई बार पूछ लेते हैं राइट्स के साथ, ये बेटा आर्टिकल 4A 51A में है। 86 अमेंडमेंट, पीछे अमेंडमेंट दिए थे 10 ड्यूटीज ऐड की थी, बाद में 11 हो गई है, और 2002 में बेटा 86 अमेंडमेंट में, हाँ जी यही है,
2286 अमेंडमेंट में हम कहते हैं 11 ड्यूटीज में ऐड कर दी गई। ठीक है, तो हमारे इसके क्या बोलते हैं जो अधिकार है उनके साथ साथ हमें ड्यूटीज दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कितनी थी 10 ड्यूटीज और 2002 में इसमें 11 जो एजुकेशन का है कि आपके बच्चों को आपको पढ़ाना आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे चले तो बेटा पार्ट नंबर 5 आता है जिसमें यूनियन से रिलेटेड मैटर है सारे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेजिडेंट है, एग्जीक्यूटिव है, प्रेजिडेंट के काम, इम्पैचमेंट की प्रोसेस, उनका इलेक्शन, राइट, उनकी पावर्स। ओके, तो ये सारा राज्यसभा, लोकसभा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट पूरा यूनियन गवर्नमेंट का दिया है। इसका पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं, इनको प्लीज नोट कर लेना शॉर्ट में ही। पार्ट नंबर 6 स्टेट्स के बारे में बताता है, गवर्नर्स हैं, एग्जीक्यूटिव गवर्नर है, राइट, और जनरल ऑफ स्टेट्स हैं, हाई कोर्ट है, उनकी इलेक्शन, उनकी पावर, सब कुछ इसमें है बेटा। पार्ट नंबर 7 रिप्लेटेड यूनियन टेरिटरीज और पंचायत, इसको छोड़ दिए। पार्ट नंबर 9 है, कई बार पूछा जाता है पंचायत के बारे में, ग्राम सभा 243A, 243 भी कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत और 243 म्युनिसिपैलिटीज, इनके बारे में डिस्क्राइब करता है पार्ट नंबर 9। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इसके पार्ट नंबर 10 है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में 11 डिस्क्राइब करता है। 12 में फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्टेस्ट सूट, इनको छोड़ दीजिए बेटा, द कॉमर्स इंटरेस्ट, ये ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट को ही फोकस कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप सारे लर्न भी कर सकते हैं। अब आते हैं बेटा पार्ट नंबर 14, ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शंस के बारे में पार्ट 15 बताता है बेटा, आर्टिकल 324, 325 इलेक्शन रिलेटेड है। ठीक है, और इसके आर्टिकल 326 भी है जो माइनॉरिटीज के लिए बताता है। पार्ट नंबर 16 को नोट कर लेना, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इनके बारे में आर्टिकल 338, 340 की है डिटेल बताता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पार्ट नंबर 17 है, और ये बेटा बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, हायर एग्जाम्स में भी। इमरजेंसी 3 टाइप की है, 352, 356, 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी बेटा, ये वॉर हो जाए और कुछ हो जाए उसके रिगार्डिंग लगाई जाती है। सेकंड 350 स्टेट इमरजेंसी प्रेजेंट रूल, ये किसी स्टेट में अगर रूल ढंग से ही चल रहा, ओके, तो गवर्नमेंट अगर हम कहते हैं फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं कर पा रही, तो प्रेजेंट रूल लगता है। और आर्टिकल 360 अकॉर्डिंग फाइनेंस इमरजेंसी होती है, इकोनॉमी डाउन हो जाए तो उसको फाइनेंस इमरजेंसी बोलते हैं। तो तीन टाइप की इमरजेंसी, इनको देख लेना प्लीज। ठीक है, इसके बाद मिसलेस में बहुत सी चीजें दी हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो लिख के दिए आपको, काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपके चैप्टर की बात करें तो उसमें कुछ खास है बेटा। पहला 42 अमेंडमेंट है 1976, फंडामेंटल ड्यूटीज का था, प्रिस्क्राइब इंडियन बिकम सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। ठीक है, तो जब ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी टाइम में सोशल सेकुलर वर्ड ऐड किया था बेटा प्रेम्बल में, राइट, तभी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। ठीक है, इसके बाद 44th है राइट टू प्रॉपर्टी डिटेड लिस्ट फंडामेंटल, हम पीछे पढ़ चुके दो बार, राइट। फिर 52 है डिफेक्शन टू अनदर पार्टी, ये पोलिटिकल पार्टी से रिलेटेड 1985 फैसला हुआ था बेटा कि आप पार्टी बदल के नहीं जा सकते दूसरी पार्टी में इलेक्शन के बाद। ठीक है, इसके बाद वोटिंग एज रेड्यूस, ये भी आपका पॉलिटिकल से काफी इंपॉर्टेंट है। 61 अमेंडमेंट 1789 राजीव गांधी टाइम में 21 से 18 एज कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद 86 से 2002 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये ऐड किया गया था बेटा ड्यूटीज में भी। ठीक है, 2002 हमने पीछे पढ़ा था अभी। इसके बाद लैंग्वेजेस का है, ओके, और एक लास्ट जो 101 अमेंडमेंट है 101 2016 में, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। एक और है बेटा, वन वर्ड आता है, 42 अमेंडमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी टाइम में बेटा संविधान को बड़ी स्केल पर बदला था। तो अमेंडमेंट विच इज 59 क्लॉज, इसमें 59 क्लॉजेस थे, कैरिड आउट द सो मेनी चेंजेस बीन डिस्क्राइब एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए बेटा इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया क्योंकि इसमें 59 क्लॉज इतने ज्यादा चेंजेस किए थे। ठीक है, 52 अमेंडमेंट वाज द ओनली अमेंडमेंट अननिमसली अडॉप्टेड, यानी अनमने मन से, गवर्नमेंट नहीं चाहती फिर भी पार्लियामेंट ने इन चीजों को, इस अमेंडमेंट को अप्लाई किया था। 52 अभी डिस्कस किया था, आपको याद होगा डिफेक्शन लॉ जो था, यानी दल बदलू कानून, ये बेटा बहुत मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से पार्लियामेंट ने पास किया था। ठीक है, इकलौता ऐसा कानून है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो आपको मैंने डिस्कस भी किया था, दैट इज मैग्ना कार्टे बेटा। ठीक है, मैग्ना कार्टे द ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज, आजादी का चार्टर है बेटा, तो उसी को मैग्ना कार्टे बोलते हैं यूरोप में। तो हमारे यहाँ भी कुछ आजादी यानी फ्रीडम वाले जो राइट्स दिए गए फंडामेंटल में, उन्हीं को बेटा कहने के मैग्ना कार्टे भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछता है क्वेश्चन, ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सच रिवॉल्यूशनरी वे, एनालॉजी ऑफ विच आर नाउ वेयर टू बी फाउंड इन वर्ल्ड हिस्ट्री,
इवन द वर्ड मैग्ना कार्टे फॉल फोकस टू डिस्क्राइब व्हाट द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द नेशन डिड थ्रू पार्ट नंबर थ्री क्वेश्चन ऑफ इंडिया फंडामेंट। तो पार्ट थ्री में जो फंडामेंट राइट दिए इसको इसके लिए बेटा वर्ड कई बार मैग्ना कार्टे यूज होता है। ठीक है, तो बेटा यही थे आर्टिकल्स, इनको एक बार दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। और जो आर्टिकल लर्न ना हो तो उसको आप शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं, शॉर्ट पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।